पंजाब पहाड़ों के दामन में बसा भारत का एक खुशहाल प्रांत है, जिसकी गोद में दरिया ठाठे मारते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कथनानुसार संसार में सभ्यता के सूर्य की पहली किरण का पौफुटाला पंजाब के घने जंगलों से हुआ और बाद में इसी किरण ने पूरे संसार को रोशन किया। इससे ये साबित होता है कि संसार में मानव ने पहला गीत भी पंजाब की धरती पर ही गुनगुनाया। फिर इस गीत ने इसके साफ सुथरे जल में नहाकर पवन से अटखेलियां करते हुए संगीत की झांझरें पहनी और फसलों के बराबर हुआ। पंजाब में फसलों के साथ साथ गीत भी उगते हैं। विवाह शादियों का भी एक मौसम होता है। लड़की वाले लड़के के घर जाकर लड़के को ठाका देकर रोक लेते हैं और ब्याह के मौसम का पहला गीत ठाके की रस्म से शुरू होता है। चौंकी बीवी रा तेरी मैं डाही वीरा कोई यारे पावे वेगीन चौंकी ते तू यो बैठा दिन राजे मूरे वे अंतो आम तौर पर लड़के की हथेली पर सवा रुपया रखकर उसे रोक लिया जाता है और बाकायदा शगन किसी तयशुदा दिन को होता है। लड़के के मुंह को छुहारा लगाया जाता है, जिसके पश्चात लड़के के घर की औरतें लड़की को चुन्नी चढ़ाने के लिए लड़की के घर जाती हैं। लड़के की माँ बड़े चाव दुलार के साथ लड़की को प्यार करती है और उसकी झोली में शगन डालती है। लड़की के मुंह को भी छुहारा लगाया जाता है और इस तरह लड़के और लड़की की मंगनी हो जाती है। मंगनी के बाद किसी सियाने पुरोहित से पूछकर शादी की तारीख निश्चित की जाती है, जिसके बाद दोनों घरों में ब्याह की तैयारियां बाकायदा तौर पर शुरू हो जाती हैं। बाबूले
विवाह शादी में शामिल होने के लिए रिश्तेदार घोड़ों, ऊंटों या खूबसूरत बैलगाड़ियों में आते थे। वक्त के साथ साथ आने जाने के साधन बदलते रहे। रिश्तेदारों में लड़के के दाद के और नानके वालों की आमद देखने के काबिल होती है। औरतें गांव में प्रवेश करते ही गाना शुरू कर देती हैं, जिससे पूरे वातावरण में मस्ती भर जाती है। जहां दाद का मेल का प्रवेश बहुत सादा होता है, वहां नान का मेल छक उठाए शोर मचाता गांव में दाखिल होता है। नान का मेल गलियों में नाचता कूदता लोगों से छेड़छाड़ करता जब लड़के के घर पहुंचता है तो वहां उसकी दाद का मेल से नोक झोंक शुरू हो जाती है। मेरे वीर जी खाने दार देव रोबर डंडी
बटने की रस्म के साथ साथ लड़की और लड़का अपने अपने घर माइयां बैठ जाते हैं। बटने की रस्म के पश्चात दोनों घरों में लेडीज संगीत शुरू हो जाता है जो कई रातों तक चलता रहता है। दोस्ती निभाए कोई
टूट दिए कह रंग लाल कणका निसे।
उधर कणका बिच कणका दे सड़का निमाए मैन तोरी ना कड लजवाई नाल रड़का निमाए मैन तोरी ना कड लजवाई नाल रड़का निमाए मैन तोरी ना कड लजवाई नाल रड़का निमाए मैन तोरी ना अम्मड़िए मैं झूठ ना बोला जदों तीक मैं पेके अम्मड़िए मैं झूठ ना बोला जदों तीक मैं पेके नी ओदों तीक जवाई तेरा न्यू न्यू मत्था टेके वर्गी सन मेरे पल्ले पिया शराबी कुड़ी कबूतर वर्गी सन मेरे पल्ले पिया शराबी बोतल पींदा रंग बरंगी नाले मारे बड़का निमाए मैन तोरी ना कड ले जवाई नाल रड़का निमाए मैन तोरी ना कड ले जवाई नाल रड़का निमाए मैन तोरी ना कड ले जवाई नाल रड़का निमाए मैन तोरी ना अख मिलावा कदे हसावा माही नूं तरसावा अख मिलावा कदे हसावा माही नूं तरसावा लैण भी आ गया कोई परवानी मैं सोरे ना जावा लैण भी आ गया कोई परवानी मैं सोरे ना जाना नी ज्यों ज्यों करदा शानो शानो मैं पई करदी मड़का निमाए मैन तोरी ना कड ले जवाई नाल रड़का निमाए मैन तोरी ना कड ले जवाई नाल रड़का निमाए मैन तोरी ना कड ले जवाई नाल रड़का निमाए मैन तोरी ना मेरे
केड़ी सवित्री पानी चलिया, केड़ी सवित्री पानी चलिया, पाबो सवित्री पानी चलिया, पाबो सवित्री पानी चलिया, पर मुड़िया परा मुड़िया जितो खसम करा मुड़िया, पर मुड़िया परा मुड़िया जितो खसम करा, साडे चीकड़ा वेगी ने डोलिया पानी आंगन, साडे चीकड़ा वेगी ने डोलिया पानी, दाते दा पोतड़ा नातड़ा नियो ने डोलिया पानी।
चाड़ी
ऐसा सतगुर मेरा जेड़ा बिछड़िया नू मेलदा, ऐसा सतगुर मेरा जेड़ा बिछड़िया नू मेलदा, ऐसा सतगुर मेरा जेड़ा बिछड़िया। गुरु महाराज की आज्ञा लेकर अरदास के बाद मिलने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। विचोला लड़के के रिश्तेदारों का मुंह मीठा करवाता है। और सबसे पहले दोनों समधी मिलने करते हैं, फिर दोनों घरों के मामे, ताए, चाचे, भाई और फूफे गले मिलकर नए रिश्ते को निभाने का अहद करते हैं। लड़की घर वालों से नजर बचाकर अपनी बारात देखती है। पंजाब में पहले बारात कई कई रातें ठहरा करती थी, फिर एक रात ठहरने का रिवाज पड़ गया। और उधर बारात भेजने के बाद लड़के की माँ अपने घर और गांव की औरतों के साथ रात को जागो तैयार करती है। पीतल की गागर की गर्दन के इर्द गिर्द आटे के दिए रखे जाते हैं। सबसे बड़ा दिया गागर के मुंह पर बनाया जाता है, जिसमें तेल बिनौले डालकर सभी दियों को जला दिया जाता है। इस तरह जागो तैयार हो जाती है। जागो सारी दुनिया में अपनी किस्म का एक अलग सा गीत, रस्म और नाच है, जो सारी सारी रात लड़के के गाँव की गलियों और आंगनों में चलता रहता है। जागो के रास्ते में अगर कोई शख्स चारपाई पर सोया या बैठा मिल जाता है तो लड़कियां उसका उल्लू बनाती हैं, और रास्ते में अगर कोई चीज या दीवार आ जाती है तो उसे तोड़ फोड़ डालती हैं। नानकी छक में लाए गए छज को तोड़ने के बाद लड़के की माँ लड़के की मामी के सिर पर जागो रखकर उसे पूरे गांव में जागो जगाने और खुशियाँ बांटने के लिए भेजती है। जागो सबसे पहले नंबरदार के घर में प्रवेश करती है। वो लोग उसमें तेल और बिनौले डालने के पश्चात अच्छी फसल की आमद के लिए शगुन के तौर पर अनाज भी भेंट करते हैं। जा
वेचे सुंड जमैन कोई वेचे राई भाग सो अपनी जोरो वेचे टके टके सिरसाई खबरदार रहना जी चौकी हाथ वादी आई खबरदार मैं लैनी आ बिड़ कावे सिंगा लिया बकरी।
पंजाब में कुछ लोग गुरु महाराज की हुजूरी में शादी करते हैं, जिसे आनंद कारज कहा जाता है, और कुछ लोग वैदिक रीति अनुसार सात फेरे लेकर ब्याह रचाते हैं। शादी की रस्म के बाद लड़के की सालियां उसके जूते छुपा लेती हैं, और जब लड़का घर में प्रवेश करता है तो उससे छंद सुने जाते हैं। लंगन ता देवंगे, छंद सुना के जाऊंगा। चल फिर सुना देंगे, हुन तो आंदे जांदे रहना। सुनाना बहु ए नहीं सरना, ब्याह करवाना है, मेले नहीं आया। लंगन ही देना था, जरूर सुनना। हां चल सुनना। छंद पर आगे आइए जाइए, छंद पर आगे आइए जाइए, इधर सुन। छंद पर आगे आइए जाइए, छंद पर आगे मेखा सबे सारिया सोनिया मैं केड़ी दम। एक और सुन। छंद पर आगे आइए जाइए, छंद पर आगे आइए जाइए, जी करे आइए जी करे। लड़की की माँ अपने दामाद को दूध पिलाना चाहती है तो लड़कियां उसे दूध भी नहीं पीने देती। अपने किसी शादीशुदा दोस्त के कहने पर लड़का पहले ही अपने साथ कुछ दोस्तों को भी ले जाता है। लड़कियां उसके साथियों को भी नहीं बख्शती, लड़के के साथ साथ उसके साथियों के साथ भी छेड़छाड़ करती हैं। लड़कियों से पीछा छुड़ाने के लिए लड़का अपनी सालियों को चांदी के छल्ले, जिन्हें कलीचड़ियां कहा जाता है, देता है। इस रस्म के बाद लड़की को विदा करने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिससे पूरा वातावरण उदास हो जाता है। दिहाड़ी रख डोली नी मारा बाबल दी बाण के गोली नी मारा आज दी दिहाड़ी रख विद्या
साड़ी रख बहनें अपने भाई से अपने लाग लेकर दुल्हन को अंदर ले जाती हैं और गांव के लोग बधाई देने के लिए आने शुरू हो जाते हैं। आए
कंगना खोलने और खेलने के साथ ब्याह के मौसम के गीत और रस्में चाहे समाप्त हो जाते।